हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई वी फोर पब्लिक में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है वो है आसनसोल शहर के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से इस शहर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ जो आप सभी के लिए यूजफुल हो सकता है। अगर मुझसे कोई गलती होती है या इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट करके हमें अवश्य बताएं मैंने कहाँ पे गलती करी है, ताकि इन टिप्पणियों को ध्यान में रखकर सही जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब करते समय घंटी का बटन दबाना ना भूलें। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए आई वी फोर पब्लिक। आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड। आसनसोल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में एक महानगरी शहर है। यह कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यह पश्चिम बर्धमान जिले का जिला मुख्यालय है। आसन एक प्रजाति का पेड़ जो आमतौर पर 30 मीटर लंबा होता है, दामोदर नदी के किनारे पाया जाता है। सोल भूमि को संदर्भित करता है। आसनसोल नाम इन दो शब्दों का संयोजन है। आसनसोल दामोदर के तट पर स्थित एक शहर है और इसकी भूमि खनिजों से समृद्ध है। ब्रिटिश काल में ऐतिहासिक रूप से इस शहर को आसनसोल कहा जाता था, लेकिन आजादी के बाद नाम वापस कर दिया गया। राज्य की पश्चिमी सीमा पर छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित यह शहर खनिजों से समृद्ध है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी 2010 की रिपोर्ट के अनुसार एक यूके आधारित नीति अनुसंधान गैर सरकारी निकाय आसनसोल को 100 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में भारतीय शहरों में 11वें और दुनिया में 42वें स्थान पर रखा गया है। आसनसोल को सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस गणना के लिए वाई श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह टीयर 2 शहर बन गया है। राज्य की राजधानी कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर दामोदर नदी की घाटी में स्थित इस शहर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अपने कोयला और इस्पात उद्योग और रेलवे पर निर्भर करती है। यह कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, विरासत मंदिरों और प्राकृतिक पार्कों के लिए भी जाना जाता है। एवं यह कुछ उल्लेखनीय लोगों का गृह नगर भी है, जैसे कि काजी नजरुल इस्लाम, शर्मिला टैगोर, अग्निमित्र पाल, अर्जुन अटवाल, विवेक सिंह, शेफ SS अहलूवालिया। यहाँ कार्यबल उच्च है और प्रति व्यक्ति आय के साथ शैक्षणिक संस्थान, अच्छे परिवहन कनेक्शन, कई आवास परिसर और उद्योग संस्थानों, परिवहन और वाणिज्य के लिए उपयुक्त भूमि है। इसका भीतरी इलाका बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों और उत्तरी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुछ हिस्सों से जुड़ा हुआ है।
आसनसोल, रानीगंज कोयला क्षेत्र के केंद्र में एवं उल्टी वर्णपुर औद्योगिक परिसर के केंद्र में स्थित है। शहर ग्रैंड ट्रंक रोड और दुर्गापुर बर्धमान और कोलकाता के साथ रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण कोयला व्यापार और रेलवे केंद्र है, जिसमें बड़ी रेलवे कार्यशालाएं और रेलवे कॉलोनी है। इसके प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, लोहा और इस्पात कारखाने शामिल है। आसनसोल का संचालन आसनसोल नगर निगम द्वारा किया जाता है। 1850 में आसनसोल की नागरिक आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया था। 1885 में आसनसोल, जो अब आसनसोल है, नगर पालिका को मंजूरी दी गई थी, लेकिन 1896 में प्रभावी ढंग से काम करना शुरू कर दिया। यह 1994 में एक निगम की स्थिति में अपग्रेड किया गया था। 2011 में इसका अपना पुलिस आयुक्तालय है। में आसनसोल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुलटी, रानीगंज और जामुड़िया के नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया गया था। आसनसोल नगर निगम में 106 वार्ड है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण यानी ADDA की स्थापना अप्रैल 1980 में आसनसोल योजना संगठन और दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के विलय से हुई थी। ADDA के अधिकार क्षेत्र में आसनसोल नगर निगम, जमुड़िया पंचायत समिति, अंडाल के सामुदायिक विकास खंड पांडेश्वर और दुर्गापुर फरीदपुर, दुर्गापुर नगर निगम और काक्षा सामुदायिक विकास खंड का एक छोटा सा हिस्सा शामिल है। आसनसोल पश्चिम बंगाल के बड़े बाजारों में से एक है। हटन रोड राहा लेन क्षेत्र में सस्ते कपड़े सामान खरीदने के अलावा कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खेल का सामान आदि खरीदने के लिए कई दुकानें उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख दुकानें हैं, जैसे बाजार कोलकाता, BN घाटी आदि। मुख्य बाजार से अलग राहा लेन हटन रोड पर कोई भी रानीगंज, बराकर, नियामतपुर और जामुड़िया की यात्रा कर सकता है। सस्ते चाइनीज सामान सवाना मार्केट पर उपलब्ध है। आसनसोल भारत के विभिन्न स्थानों से सड़क, रेलवे, वायु द्वारा परिवहन के विभिन्न माध्यमों से जुड़ा हुआ है। आसनसोल में पर्यटकों के लिए लोकप्रिय आकर्षण के केंद्र हैं रविंद्र भवन, नजरुल एकेडमी, कल्याणेश्वरी मंदिर, वर्णपुर रिवर साइड आदि। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।